बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं तली हुई मिर्चें, दही वाली तली हुई मिर्चें, बहुत ही मज़ेदार किस्म की, चटपटी सी। तो देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ली हैं लंबी, और इनको बीच में से कट लगा के रखा हुआ इस तरह, तकरीबन 15 ली हैं। इसके अलावा इसके यहाँ पर हमने लिया है अदरक, जुलियन कट करके रखा हुआ है। अदरक ऑप्शनल है, अगर आप इन मिर्चों के साथ अदरक डाल के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अदरक अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑयल जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, दही जाएगा 5 टेबलस्पून, चाट मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून, पिसी मिर्ची जाएंगी 1/2 टीस्पून, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर अमचूर पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, और पिसी हुई सौंफ जाएगी 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून जाएगा यहाँ पर भुना कुटा साबुत धनिया, और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी। तो चलें फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन को गर्म पर रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसको हल्का सा बिल्कुल गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और अदरक जो कट करके रखा था ये ऐड कर देंगे, और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तीन मिनट हो गए, ये देखें मिर्चों का और अदरक का कलर है हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की मिर्चें बनती हैं, आप इनको दाल चावल के साथ खाएं या वैसी रोटी के साथ खाएं तो आपको बहुत मज़े की लगेंगी। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर जाएगा, भुना कुटा साबुत धनिया, भुना कुटा साबुत ज़ीरा, फ्लेम हमने बिल्कुल इस वक्त लो किया हुआ है, चाट मसाला पाउडर, पीसी मिर्ची जाएंगी, अमचूर पाउडर या खटाई पाउडर कह लें आप, सौंफ जाएगी पीसी हुई, और नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं आप, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपीज आप तक पहुंच सके। ये देखें ये सब चीज़ें मसाले अच्छे से मिक्स हो गए इसमें। अब इसे कवर कर देंगे और तकरीबन लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटपटी मिर्चें बनेंगी, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हैं जिनको चटपटा और मिर्चों वाला खाना मतलब चीज़ें पसंद है, तो ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हैं। तो ये आप लाजमी दोपहर में दाल चावलों के साथ बनाएं, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी बनी और कैसी लगी आपको ये। 2 से 3 मिनट हो गए, मिर्चें एकदम हमारी तैयार हो गई हैं पककर। इनको बहुत ज़्यादा बहुत देर तक नहीं पकाना है कि ये अपनी असल जो इनकी ओरिजिनल जो शक्ल है वो ख़त्म हो जाए। तो बस अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।